यार बहुत अच्छी थी, मज़ा आया देख के। और काफ़ी मतलब काफ़ी लोग रोए भी उसमें जो हमारे साथ आए थे, बाकी आप खुद जाके देख लो। एक्टिंग कैसी लगी आपको? एक्टिंग अच्छी, ऑब्वियसली इज़ अ गुड एक्टर और एक्टिंग तो अच्छी है उसकी। फिल्म की म्यूज़िक के बारे में? म्यूज़िक काफ़ी अच्छी म्यूज़िक दे रखी है, और दो तीन म्यूज़िक तो काफ़ी ऐसे अच्छे हैं, मतलब बहुत जो बॉलीवुड में ना काफ़ी बहुत यूनिक है वैसे म्यूज़िक, और दो तीन म्यूजिक और काफ़ी अच्छे। कितने स्टार्स देंगे आप 5 में? सर स्टार तो मैं लाइक 4। सर कैसी लगी मूवी आपको? काफ़ी अच्छा था मूवी, और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मोटिवेशनल था, काफ़ी मतलब ये इमोशनल भी था, बहुत अच्छा था। शाहिद कपूर की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? रिमार्केबल परफॉर्मेंस आई वुड से। म्यूजिक सब ऑसम, सब एक भी म्यूजिक ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, कि सब म्यूजिक बहुत बढ़िया है ओवरऑल, मतलब म्यूजिक बोलो, डायरेक्शन बोलो, स्क्रीन पे बोलो, सब कुछ अच्छा है। कितने स्टार्स देंगे आप? 4 आ जाओ, 8 out of 10। किसको? अच्छा लेना है याद करा। सर जी क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में, कितनी अच्छी बनी? बहुत ही उम्दा मूवी है, बहुत ही यू नो इट्स अ मस्ट वॉच, स्पेशली बिकॉज जो शाहिद कपूर हैं उनके यू नो वो सब फ्लैशेस आंखों के सामने आ गए, उड़ता पंजाब और जो भी यू नो वो अग्रेशन बट इन अ पॉजिटिव वे, उड़ता पंजाब हो या कबीर सिंह हो। और ये मूवी एक तेलुगू का रीमेक है, 2019 में एक तेलुगू मूवी इसी नाम से बनी थी जो मैंने देखी थी, जो इससे भी एक कदम ऊपर थी। और मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है अनिल मेहता की, और एडिटिंग के ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान देते, थोड़े से आई फील 10-15 मिनट का क्लिप किया जा सकता था, 20-25 मिनट्स का, तो नवीन नूली को मैं यही कहूँगा कि अगर थोड़ा क्लिप कर देते तो अच्छा था। बाकी म्यूज़िक बहुत अच्छा है, पंजाबी सॉन्ग्स हैं सब, आई एम अ पंजाबी तो मुझे बहुत पसंद आया, तो वो जो साचेत परम्परा है इसके म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छे सॉन्ग्स कंपोज किए। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, पहले आपने उनका रोमांस दिखाया है तो शाहिद कपूर तो ही उस उनका करिश्मा अभी भी यू नो अभी भी दिखने को मिलता है इस एज में भी, तो मतलब बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और दोनों कृणाल ठाकुर की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, और शाहिद कपूर का तो नॉकआउट परफॉर्मेंस है, मैंने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ हिज करियर। पंकज कपूर के साथ जितने भी उनकी टीम जितने भी सीन्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, और एक तरह से पंकज कपूर इतने सीजनड एक्टर हैं और उनके एक्चुअल में डैड हैं, तो हर फ्रेम यू नो इट वॉज सो हार्ट वार्मिंग टू वॉच। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शाहिद कपूर हैज़ ग्रोन एज एन एक्टर, बहुत ठहराव आ गया है उनमें, और हर फिल्म के साथ यू नो इतने वाइड रेंज ऑफ एक्टर यू नो मूवीज़ उन्होंने किए, हैदर, उड़ता पंजाब, जब वी मेट, सब अलग अलग जॉनर की मूवीज़ हैं, एक्शन मूवीज़ कभी से, तो वो हर जॉनर में अपनी वर्सेटैलिटी प्रूव करते जा रहे हैं, तो उनके लिए आई थिंक ही इज़ रियली कमेंडेबल, रिमार्केबल, उनके एफर्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं 3.5 दूंगा, अगर थोड़ा एडिटिंग के ऊपर ध्यान देते तो 4 तक जा सकता था।
डेफिनेटली मैं शाहिद कपूर को 80 से जानता हूँ, जब उनके डैड उनकी बहन को मिलने आते थे जूहू में, तो मतलब वो उन जब वो छोटे से थे, मुझसे 2 साल छोटे हैं सिर्फ वो, तो तब से हमने उनको देखा है कि वो उसके बाद इतने बड़े एक्टर बन गए, फिर शामिक डावे की क्लासेस में भी हम लोग मिले हैं, तो और कनाडा में जब किस्मत कनेक्शन की शूटिंग हो रही थी तब भी उनसे मिला, तो ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर एंड वेरी गुड पर्सन इन रियल लाइफ, और उनके एफर्ट्स हमेशा देखने को मिलते हैं, तो उनका नॉकआउट परफॉर्मेंस है एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू गो एंड वॉच दिस मूवी। यार एक साथ आया करो। ओके रोल कर रहे हो क्या? एक मिनट, और मैं कुछ फोन किए बगे में ये पहला डिस्टर्ब करता है। हाँ मैम 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 put by this as on the bomb uncle अरे सर आप लोग बॉम अंकल के अंडर डालिएगा, चैनल आपका रहने दो, बॉम अंकल का अंडर रहेगा तो वो आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। ठीक है ना, अभी हाल ही में मेरा 2.5 लाख व्यूज़ हो गया के जी एफ का, तो वेरी गुड फिल्म। ओके जब बॉम अंकल बोलता है, आई एम नोन एज बॉम अंकल इन यूट्यूब एंड आई हैव समहाउ अ होल ऑन क्रिएटिविटी, तो एक कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, पॉट बॉयलर फिल्म नहीं है, लार्जर दैन लाइफ फिल्म नहीं है, मास ओरिएंटेड फिल्म, सो कॉल्ड मास ओरिएंटेड फिल्म नहीं है, इट्स अ क्लास ओरिएंटेड फिल्म, क्लासी लोगों के लिए पसंद आएगा, स्टोरी लाइन अच्छी है बट इट लीड्स टू अ अनहैप्पी एंडिंग, जो मुझे खास तौर पर इतना भाता नहीं है। इवन शोले वॉज अ सुपर डुपर हिट बट आई विश शोले हैड अ हैप्पियर एंडिंग, सो ये मेरा एक फ्लॉ है, मुझे हैप्पी एंडिंग पसंद है, बट हैविंग सेड दैट द कॉन्टेंट ऑफ द फिल्म इज़ गुड, द परफॉर्मेंसेज आर गुड, द म्यूजिक इज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, इसमें एक गाना है मैं तेनू, इट्स फंटेस्टिक, इनफैक्ट ऑल नंबर्स आर गुड, बहुत अच्छा, द परफॉर्मेंसेज ऑफ शाहिद कपूर, द केमिस्ट्री बिटवीन शाहिद कपूर एंड हिज फादर पंकज कपूर इज सुपर्ब। अब शाहिद कपूर इज इन्फेक्टेड विद अ प्रॉब्लम कॉल्ड आरती, आई एम नॉट गिविंग अ स्पॉइलर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, बिकॉज ऑफ दैट ही हैड टू लीव क्रिकेट एंड बिकॉज ही हैड टू डेन ऑल प्रॉब्लम्स, सारे कठिनाइयाँ उनके ऊपर आ जाती है, उनके फैमिली के ऊपर, तो प्रॉब्लम क्या होता है उसके वजह से, क्रिकेट छोड़ने के वजह से उनके अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती है। ये फिल्म जर्सी, वो एक ही ये था, उसको सिर्फ 500 रुपये की जर्सी खरीद के देनी थी अपने बच्चे को, वो नहीं कर पाया था, वो इतना मतलब नाकाम हो गया था बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ प्रॉब्लम, तो डॉक्टर ने कहा था आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, लोगे तो आपका हार्ट फेलियर हो जाएगा, इसके वजह से वो कहीं काम भी नहीं कर पा रहा था, तो एनीवे बट इवेंचुअली ही प्रूव टू द वर्ल्ड दैट आई वॉन्ट टू गिव माई लाइफ प्लेइंग द गेम, तो बेटे ने कहा, वो बेटे से पूछता है आखिर में मुझे खेलना है या नहीं खेलना है, तो बेटा बोलता है खेलो, तो उसका दिल, उसको पता है दिल रखेगा तो वो ही लूज इज लाइफ, सो ही विंस द फाइनल एंड देन ही लूज इज लाइफ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एलिमेंट दैट गोज इन टू द ये, तो वो एक कुर्बानी थी गेम के लिए, एक डेडिकेशन थी, एक कुर्बानी थी, आप समझ रहे, तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस कॉन्टेंट, बट हाँ द केमिस्ट्री बिटवीन खास करके पंकज कपूर ओके एंड शाहिद कपूर इज फैंटास्टिक, मृणाल इज ऑल्सो वेरी गुड आर्टिस्ट, बॉलीवुड जागो, मृणाल ठाकुर को वेस्ट कर रहे हो, शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, सुपर 30 में आई थी फिर कहाँ अब आ रही है, नो वी शुड गिव दैम चांसेस अदरवाइज बॉलीवुड विल नेवर राइज, तो एनीवेज तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके मैंने जो गाना बोला था ना मैंने तनु, बहुत अच्छा है, हर एक नंबर अच्छा है बट खास करके एक दो नंबर्स जो है ना वो बहुत अरसों तक चलेगा, हमको बहुत मज़ा आया सुन के, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा था, इट वॉज सपल, इट वॉज मीडियोकॉर बट इट वेंट विद द थीम ऑफ द फिल्म, देखिए हर टाइम पे आप लार्जर देन लाइफ जो स्क्रिप्ट होती है उसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक अलग टाइप होता है, तो ये दिस डिमांडेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड म्यूजिक,
मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। टोटल कितने स्टार्स देंगे आप? देखिए, आप स्टार्स में कन्वर्ट करो, आई थिंक इट्स अ वॉचेबल फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ कंटेंट ड्रिवन फिल्म, नॉट अ मास ओरिएंटेड फिल्म, प्योर मास, बट अ क्लास ओरिएंटेड फिल्म, बट अच्छी फिल्म है, देखने लायक है। रिपीट वैल्यू ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, ऑडियंस ज़्यादा नहीं जाएगी दो बार तीन बार देखने, पर एक बार तो देखना है और अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। इट्स अ फिल्म टू बी वॉच बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, बिकॉज द इमोशंस दैट वर एक्सट्रैक्टेड वी सॉ ऑन द स्क्रीन, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड म्यूजिक, बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स, दिस फिल्म इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। मैंने ओरिजिनल देखी नहीं, कल ही मेरे पास वीडियो आई थी, मैं यूट्यूब में देखना चाह रहा था बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला, बट सुना हूँ ओरिजिनल बहुत अच्छा है, तो मैं ओरिजिनल देखने के बाद मैं कंपेयर कर पाऊँगा। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यूअर सर, मैं आई डोंट मेकअप स्टोरीज, जो भी मेरे दिल से निकलता वही मैं बताता हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या कहेंगे? देखिए, जर्सी के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा, सुपर हिट, टोटली धमाल मूवी है। वैसे तो ये मूवी 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी KGF के साथ, लेकिन इस जर्सी की टीम ने बहुत अच्छा किया कि 1 वीक पोस्टपोन किया। अभी नज़र में आ जाएगी ये मूवी। देखो, ये मूवी तेलुगु का रीमेक है, लेकिन अगर आप लोग तेलुगु मूवी जर्सी देखे हैं तो प्लीज़ आप इस मूवी को भी देखो। इसमें जो शाहिद कपूर ने जो कमाल किया ना यार, सुपर, मतलब कि आंखों में आंसू लिया यार, ऐसा एक्टिंग कर दिया पर्दे पर उन्होंने। लाजवाब लाजवाब, उनका जितने भी केमिस्ट्री दिखा मेरे को बहुत मज़ा आया देखने में। फिर उनकी जो केमिस्ट्री के साथ साथ बेहतरीन सॉन्ग है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि फादर और सन दोनों साथ में काम किए हैं, पंकज कपूर, सुपर है दोनों, बाप बेटी की केमिस्ट्री भी अच्छी दिखी। म्यूजिक कैसा लगा फिल्म? म्यूजिक बहुत अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक हो या सॉन्ग हो, मतलब कि रोंगटे खड़े कर देते, ऐसे ऐसे म्यूजिक हैं। ओवरऑल कितना स्टार देंगे आप? 3 स्टार। सर, क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? सबसे पहला, मूवी वेरी नाइसली मेड, बहुत अच्छी बनाई है, साउथ के डायरेक्टर है, ऑफकोर्स ये रीमेक है जो बहुत जन बोल रहे हैं, बट हिंदी ऑडियंस के लिए इट्स अ फ्रेश मूवी। दो बार ऑलरेडी डिले हो चुकी है, पोस्टपोन्ड हो चुकी है, 31 December इट वॉज सपोज टू कम, लास्ट वीक KGF का जो सन्नाटा था और जो इसके वजह से ये मूवी दब गई थी, बट आई थिंक गुड टाइम टू रिलीज द मूवी और लोगों को अच्छी लगेगी। ओरिजिनल से कितनी अलग है यार? ओरिजिनल फ्रेंकली बताऊँ तो मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैं फ्रेश माइंड से देखना चाहता था कि हिंदी कैसी है, तो मुझे लग रहा है कि मूवी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। शाहिद कपूर के परफॉर्मेंस के बारे में क्या? शाहिद कपूर की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, जैसे कबीर सिंह में उन्होंने दिल जीत लिया था लोगों का उनकी एक्टिंग से, यहाँ पे उनकी एक्टिंग बहुत सटल है, बहुत बोलते हैं ना सहमी हुई है, और आई थिंक इमोशनल मूवी है विच एवरी वन विल लाइक इट। यस, ही वॉज ऑलवेज अ बैंकेबल एक्टर, इट्स मोर टू डू विद द स्क्रिप्ट, इफ़ यू हैव द राइट कॉन्टेंट, राइट डायरेक्टर एंड द राइट स्क्रिप्ट, then no actor is a small actor or a big actor, you know, we have seen content is always the king, which I keep on telling in all my interviews. Talking about the chemistry of Mrunal and Shahid, and as well as Shahid and Pankaj Kapoor, yes, the father and son duo, so what do you have to say about that? So Pankaj Kapoor and Shahid, they are actually chemistry, because they are comfortable working with each other, so wo coach aur player ki jo chemistry, it's come out very nicely. Pankaj Kapoor again very good actor, his role is of a coach, very nicely done. Chemistry between Mrunali and Shahid is also okay, because most of the time they are fighting, so chemistry wise it's kind of good. They're done with their roles quite fairly, because wo chote roles hain, so they have done it well. Kitne stars dena chahenge sir aap? Main ye movie ko dunga 4 star. एक तो साउथ की मूवी है, मेरा ये कहना है कि साउथ के डायरेक्टर जिस हिसाब से हिंदी बेल्ट में मूवीज़ बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, तो हिंदी ऑडियंस के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन कि हमें अच्छी मूवी अच्छे कंटेंट के साथ देखने मिलेगी हर फ्राइडे। थैंक यू।